तो गाइस जो भी मेरा वीडियो देख के यहाँ आता है उसको एक सरप्राइज मिलेगा। तारा भाई सिटी डास है ना, क्योंकि यहाँ से जो एक बार खा के जाता है ना वो बार बार वापस आता है। बर्गर खाना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। चिकन लेग पीस भैया सीरियसली बहुत टेस्टी है वाला। मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरे लिए लेस ऑयल सही रहता है, तो ये मैं खा सकता हूँ। यहाँ पे आने से बहुत टेस्टी प्लस पॉकेट फ्रेंडली। इतना टेस्टी मिलेगा तो कौन मोटा ना होना चाहेगा। Hey guys, welcome to another video. So guys, आज हम एक ऐसे जगह पे आके पहुंचे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो KFC को टक्कर देंगे, राइट? फेस नहीं दिख रहा है। Oh my God. तो भाई KFC को टक्कर क्यों देने वाला है ये आउटलेट, अभी हम रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे, और एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो बिना देरी किए अभी चलते हैं डायरेक्ट और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ मिलता है। लेट्स गो। आज हम लोग यहाँ पे जो भी खाने वाले हैं, तो यहाँ पे दो जज बैठे हैं, मिसेस सिप्रा मिश्रा और यहाँ पे संग्राम आचार्य। हम यहाँ पे फुकर का खाने खा के अभी भी नहीं आएंगे। गुड। सो गाइस फाइनली जो आइटम्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको देख के तो अंदाजा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे हम लोग KFC में आके बैठे हैं, राइट? जी नहीं, हम लोग अभी कोयल नगर में एगन ईट में मौजूद हैं। अरे और एक बात है, KFC में बहुत छोटे पीसेस रहते हैं और यहाँ पे चिकन लेग पीस कितना बड़े पीसेस है इसके, देख इवन विंग्स के भी बहुत बड़े बड़े पीसेस है। राइट। तो अभी बिना देरी किए चखना स्टार्ट करें। मन कर रहा है पूरा खा लूं। अब ये चॉकलेट शेक। सुनना एक मिनट रह जा, रिव्यू देने का मन नहीं कर रहा है, पूरा पी लूं, बहुत टेस्टी है। अरे बाप रे, सच्ची में हम लोग इसको ही चॉकलेट शेक बोल सकते हैं, इतना थीक के और इतना चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा है ना, मस्त लग रहा है। अब हम ट्राई करने वाले हैं वाटरमेलन मोइतो। ठीक है, मोइतो राइट? ये yes. मेरा फेवरेट है यार, सीरियसली। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं मोजीतो और बहुत से मोइतो, बट मोइतो इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो बोल रहा था। अरे पहले मैं भी बोलती थी मोजीतो। बोलेगी भी भैया, सीरियसली बहुत टेस्टी है ये वाला। ये तो मुझे चॉकलेट शेक से भी बहुत मस्त लग रहा है। तुझे एक बात पता है, मैंने जितने जगह में भी आज तक मोहितो ट्राई किया है ना, मैंने वो मिंट वाला ही पिया है और वो बहुत ही नॉर्मल लगता है, मतलब कि एवरेज लगता है, मतलब कि दिल जीतने वाला तो आज तक मैंने कभी तक नहीं पिया है। बट ये वाला जो है ना वाटरमेलन मोहितो, सच्ची बता रही हूँ, बहुत एकदम मस्त है। और मैंने भैया से पूछा ना, तो भैया ने बताया इसका जो मटेरियल है ना, ये ओडिशा में अवेलेबल नहीं है, ये भैया ना बाहर से मंगवा, और थोड़ा सा बचा है तू थोड़ा पी ले, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो और एक मंगवा लेंगे। ग्लास में पीऊंगा, नया मंगा के तू पी ले। तब ठीक है। अभी ये क्या चीज है रे भैया, तो एक के बाद एक यूनिक चीज ला के दे रहे हैं यार, वो तो स्टॉप ही नहीं हो रहे। ये हम लोग का नॉर्मल ओरियो शेक है, जो हम लोग ने बहुत जगह में ट्राई किया है, बट देखते हैं कि यहाँ इनका ओरियो शेक कैसे लगता है। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, सीरियसली बहुत सुंदर। ये तो और भी ठीक है यार, लग रहा है बस ओरियो बिस्किट ही पूरा भरती है इसमें। तेरे को एक बात पता है, ये जो चॉकलेट सिरप यहाँ पे जो ये डालते हैं ना, ये अपने से बनाते हैं इधर, और ना क्या करते पता है, दूसरे जगह में आधी जगह ऐसे ना बहुत क्रीमी टेक्सचर कर देते हैं, बहुत क्रीम डाल देते हैं ऊपर, और इतना बड़ा ग्लास बना देते हैं, तो हमको लगता है कि वाव कितना दे रहे हैं। तो आज हमारे जो फूड क्रिटिक्स आए हैं हमारे साथ में, वो आज फूड रिव्यू देने वाले हैं। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ चिकन विंग्स, पहले खा लेता हूँ फिर बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। हाँ
बहुत क्रिस्पी है ये, जूसी है। इसको आप अगर कंपेयर करेंगे केएफसी के साथ तो आई थिंक ये लेस ऑयली है। मैंने ट्राई किया है केएफसी का, उसका थोड़ा ज़्यादा ऑयली रहता है और ये एज कम्पेयर टू क्रंचीनेस इक्वल टू केएफसी, बट इसका ऑयल बहुत कम है, मुझे इसी ये अच्छा लगा और टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरे लिए लेस ऑयल सही रहता है, तो ये मैं खा सकता हूँ। तो अभी हमारे जो बॉडी बिल्डर साहब है वो अभी चिकन लेग पीस खा के रिव्यू देने वाले हैं। ये तो एक टाइम में ही खा जाएगा। आपने बहुत वीडियो देखा होगा चिकन लेग पीस का, लेकिन हम ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं अपने वीडियो में चिकन लेग पीस। थोड़ा साउंड आना चाहिए। वाह, थोड़ा गर्म है। और टेस्ट आप मेरे से मत पूछिए, आप आके इधर खा के खुद ट्राई करिए और खुद अपना ओपिनियन दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। ओवरऑल मस्त है। तुमने जो पहले ट्राई किया था लॉलीपॉप, और ये भी अलग भी बहुत मस्त है। नहीं, मेरे को लॉलीपॉप से ही ज्यादा अच्छा लगा। ये मस्त दिख भी ये रहा है। मस्त दिख रहा है और ये बहुत क्रंची और जूसी है। यो थारा भाई, सीडी डासा रिव्यू करने वाला है चिकन पॉपकॉर्न। सो गाइस, यम्मी दिख रहा है यहीं से और मेयोनीज के साथ तो मजा आ जाएगा। सीरियसली मैं तो पूरा प्लेट खत्म करने वाला हूँ। पक्का? पेट तो अभी से इतना बड़ा है, आज और बड़ा होने वाला है। हो जाने दो, इतना टेस्टी मिलेगा तो कौन मोटा ना होना चाहेगा। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा गाइस, एक बार आके ट्राई करो। तो भैया आपसे एक बात पूछना था, जैसे कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं मैम, उसके लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि वेज बर्गर हो गया, वेज स्ट्रिप, वेज नगेट्स। देख, मेरे लिए स्पेशल वेज बर्गर बनाए, मैं भी यहाँ से खाली पेट नहीं जाऊँगी। तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। बर्गर खाना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, फिर भी मैं खाऊंगी। तो गाइज अभी एक भाई हमें यहाँ मिले हैं जो यहाँ के आई थिंक यहाँ से रेगुलर लेते हैं आइटम्स, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये एगेनिट के आइटम्स के बारे में उनका रिव्यू कैसा है, उनको कैसा लगता है यहाँ का आइटम। वेलकम भाई। Hi. और सबसे पहले तो पूछूंगा, आप यहाँ के रेगुलर कस्टम है क्या? जी हाँ। ओके, मतलब यहाँ तो KFC लेवल के आइटम्स मिल रहे हैं आई गेस। जी। और कैसा टेस्ट वगैरह कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा है। रेगुलर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का स्ट्रीट फूड एक्चुअली हम लोग का बीच में, हम लोग जैसे यंगस्टर्स हैं हम लोग के बीच में तो पॉपुलर है ही। डेफिनेटली। तो उसमें हम लोग यहाँ पे आने से बहुत टेस्टी प्लस पॉकेट फ्रेंडली दोनों। राइट, गाइस ये जो अगेन ईट है जो हम लोग का कोयल नगर में NSE मार्केट है और जो कोयल नगर में जगन्नाथ मंदिर है उससे जस्ट 100 मीटर आप आगे आएंगे तो आपको अगेन ईट दिख जाएगा, और बहुत ईजिली आपको दिख जाएगा क्योंकि ये जस्ट मेन रोड के बगल में ही है। और ये रही हमारी अगेनिट की टीम, ये है हमारे सोहेल भैया और ये है हमारे राज भैया, और ये रही हमारी अगेनिट की टीम। आइटम हम लोग ने यहाँ पे देखा है, यही दोनों भैया ने मिलके बनाया, बहुत अच्छा वो लोग बनाते हैं। सो मच टीम, हमने रियली बहुत एंजॉय किया। तुझे एक बात पता है इसका नाम अगेनिट क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ से जो एक बार खा के जाता है ना वो बार बार वापस आता है, इसलिए अगेनिट स्वाद इंडिया का। तो गाइज जो भी मेरा वीडियो देख के यहाँ आता है उसको एक सरप्राइज मिलेगा, और सरप्राइज क्या है अभी सर बोलेंगे। इधर सर, अब सारे मेरे व्यूअर को आप बता दीजिए कि उनको क्या मिलेगा जो भी मेरा ये वीडियो देख के इधर आएंगे। यहाँ पे जो भी आप वीडियो देखे आएगा सीरियस वीडियो तो 10% डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट 10% मिलेगा। ओके, तो गाइज और क्या चाहिए आपको? 10% डिस्काउंट। तो गाइज इतना ही नहीं, अगर आप आते हो यहाँ पे पहली बार 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ ही में सर आपको एक कूपन कार्ड देंगे। राइट, कूपन कार्ड देंगे। राइट, वो कूपन कार्ड को आप कैसे यूज करोगे? एक महीने के अंदर 3 times तीन बार आप यूज कर सकते हो, मतलब हर तीन बार 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई सोच क्या रहे हो, फटक से गाड़ी निकालो अभी आ जाओ कोयल नगर में एगेन ईट, यहाँ पे सारी टीम आपका इंतजार कर रही है सर्व करने के लिए। भाई आइटम्स वगैरह रियली हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया, अभी आपकी बारी है। तो गाइस
आके सीधा मेरा नाम ले लो, डिस्काउंट मिलेगा। और क्या भाई, तारा भाई सीडी डास है ना। सर अगर मैं आती हूँ तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा ना पक्का। 10% नहीं, 1% बढ़ा दीजिए। हाँ बस 11% मुझे मिलेगा, 15%। थैंक यू सो मच भैया, आप दोनों को भी थैंक यू। मुझे आपको बोलना है, आपने यहाँ पे आया इसलिए थैंक यू। अगेन इट मतलब हम लोग फिर से आके खाएंगे। बाय। सो गाइज आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और थैंक यू सो मच गाइज हमको इतना लव एंड सपोर्ट करने के लिए। इवन पता है हम लोग यहाँ हमारी एक सब्सक्राइबर मिली और हम लोग के साथ सेल्फी लेके गए, और वो हम लोग को बहुत अप्रिशिएट भी करती है। हमारे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। हाँ हाँ, और वो घंटी को जरूर ऐसे करके दबा देना। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए जगह पे एक्सप्लोर करते हुए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। वाह क्या टेस्ट है इसका।